तो कैसे बड़ी फिर से आपका स्वागत है। तो चलो मेरा नाम है पामियर, वेलकम टू अपनी शानदार जानदार खतरनाक एंड द मोस्ट ब्यूटीफुल वन एंड ओनली दुबई सिटी। और प्लस माइनक्राफ्ट है तो यहाँ पर कांड तो हमेशा होते रहते हैं। और यहाँ बिल्कुल ठीक लॉग ही घर के सामने एक बहुत ही मोटा कसरतदार क्रीपर फटा यहाँ पर बिल्कुल मेरे घर के सामने, ना मेरे घर के सामने लॉग ही घर के सामने। अब इससे पहले की लॉग ही आए और मेरे को फोड़े, मुझे फटाफट से उसका घर जो है यहाँ पर रिपेयर करना है। और अभी फाइनली मेरे को दो लैडर्स लगानी है, तो एक यहाँ पर एंड यहाँ पर एंड लेट्स गो। तो काम कर रही है जो बाकी कचरा मेरे हाथ में पकड़ा हुआ, तो मैं फिलहाल यहाँ पर रख लेता हूँ। और ये देखो मैंने दो पोशन्स ही बना कर रखी हैं। फिलहाल मैं इसको यूज नहीं करूंगा क्योंकि मेरे को आज करनी है बहुत सारी माइनिंग, क्योंकि आज हम करने वाले हैं बहुत ज्यादा ट्रेडिंग। और मेरे को भी इलेक्ट्रो की आवाज आई, हेलो बंदर वाले वो वी, अबे मामा नीचे आ जा यार, ये सुबह सुबह से कोई काम धंधा कुछ भी तो नहीं है। और ये लाइब्रेरियन, सबसे पहले मेरे को गाइस चेकआउट करना है कि ये लौंडे तो क्या दे रहे हैं। हेलो सर जी, प्लीज मेरे को एक माइंडिंग की बुक देना यार, नॉट माइंडिंग मेंडिंग, फायर रेस्पेक्ट नहीं चाहिए भाई मेरे। किधर हो चुपारी भाई, ए नल्ले भाऊ किधर हो, तेरे को बताता हूँ मैं नीचे आने दे। पहले मेरे को ये कौन है, होए हेलो ये बंदर वाले मुंह, यहाँ शहर के अंदर एक बंदा घूम रहा तलवार लेके, हेलो इधर आ इधर आ, ये कौन है, भैंस की आंख और बंदे भी हैं, ये कौन है, ये कौन है, ये पक्का इसने कुछ ना कुछ किया होगा, मेरे को इसकी शक्ल देख के लग रहा है ये है हाँ न्यू है, बिल्कुल नहीं जानता मैं, हाँ पता है इसने कुछ ना कुछ कांड किया होगा। लेकिन चलो कोई बात नहीं गाइस, इनसे पंगा नहीं लेते। और अगर इस लाइब्रेरी के ऊपर क्लिक करके देखो तो ये भी मेरे को कचरा ही दे रहा है, प्लीज कुछ ना कुछ दे दिया मेरी चार शार्पनेस नहीं चाहिए मेरी भाई। ए बंदर वाले मुंह, तेरे पास एक एमराल्ड है, एमराल्ड दियो। ये क्या था तेरे हाथ में ब्रो? गाइस इसके हाथ में मैंने अभी कुछ देखा, तेरे हाथ में क्या था, मैंने अभी तेरे हाथ में कुछ देखा बंदर वाले मुंह। अब तूने अपने हाथ के ऊपर एक ग्लव्स पहन कर रखा हुआ था, अबे एमराल्ड नहीं था ब्रो, मैं तेरे को बता रहा हूँ। देख मैं माइनक्राफ्ट जो है बहुत टाइम से खेल रहा हूँ और मेरे को एग्जैक्टली पता कि एमराल्ड कैसे दिखता है, तो प्लीज बाहर निकाल ले, क्योंकि अगर मैंने तलवार निकाल लेना तो कहने खच 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 मारना तेरे को मैंने। तीर लोड हो चुका है और मेरा एम बिल्कुल तेरे सर के बीचों बीच, आंखों के बीचों बीच, जो नाक तेरी नाक भी नहीं है, बट एनीवेज आंखों के बीच। चुपा दे भाई पीछे देखो हेलीकॉप्टर, तेरी भैंस की इसका कुछ बहुत ज्यादा होगा, बताता हूँ तेरे को। हेलीकॉप्टर हेलीकॉप्टर आज होंगे गाइस बंदर के ऊपर एकदम से खतरनाक वाले हवाई हमले, तो बस एक मिनट रुक जा, तेरे को बताता हूँ मैं भाई, पीछे से तीर को मानी भी चल रही है यहाँ पर, रुक अबे रुक, हिल मत, मुझे तेरे को तीर मारना है, ए हिलता पोता यार ये। अरे मासूम बंदर को घूमने नहीं देते, तेरे को बताता हूँ गाइस, मैंने इसके हाथ में लिटरली मैंने कुछ ना कुछ देखा। अभी इन द मेन टाइम मेरे को इसके ऊपर पूरी नजर रखनी है, मेरे को पता करना की इतने सारे एमराल्ड इतने सारी चीजें लेके कहाँ से आ रहा है, और गारंटीड इसके आपने कुछ ना कुछ था। एंड वन सेकंड गाइस, जब तक मैं छुप-छुप के इसके ऊपर नजर रखता हूं, आप फटाफट से नीचे जाके सब्सक्राइब का बटन क्लिक कर दीजिए। एक तो अपना शहर इतना बड़ा है ना, मेरे को समझ नहीं आता कि कौन सी चीज कहां पर घूम रही है। आई थिंक मेरे वो हार्डकोर वाले घर के अंदर आ चुका है। एक काम करते हैं, यहां से मेरे को ठीक से कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा, तो फट से एक बार फिर से इलेक्ट्रो निकाल के ना मेरे को अपने ये छोटे से टेंपल के ऊपर जाना है। किधर मर गया? हेलो बंदर वाले मुंह वापस आ जा भाई, मुझे मेरे को तेरे पास जो भी है मेरे को नहीं चाहिए, वो जो चीज तेरे पास है वो तेरे पास ही ठीक है, हमको कुछ भी नहीं चाहिए, हम तो यहाँ पर सिर्फ माइनिंग करते हैं, डायमंड उगाते हैं और कुछ भी नहीं करते। किधर पर गया यार ये, काम के टाइम गायब हो जाते जी। क्या रखा है इसने चेस के अंदर? अरे उसके हाथ में है कुछ लिजिट भाई, उसने हाथ के ऊपर कुछ ओ भाई साहब। यो गाइस ये थोड़ा बहुत अभी सीरियस हो रहा है, लिटरली गाइस जिससे मेरे सामने चार ब्लॉक जो है सामने वाले, मेरे को पक्का याद है क्योंकि वो घर हमने अपने हाथों से बना के रखा, इसने वो सारे ब्लॉक एमराल्ड में कन्वर्ट कर दिए। और मेरे को ठीक तरीके से याद है कि वो ब्लॉक लकड़ी के बने हुए थे। और ये कहां पर जा रहा है? हार्डकोर वाले घर के अंदर जा रहा है। वंस अगेन इसने चेस खोला और उसने कुछ ना कुछ वहां पर रखा। मैं देखना चाहता हूँ कि चेस खोल के क्या क्या रख रहा है अंदर। फटाफट से इलेक्ट्रो निकालते हैं और मेरे को आपको ये दिखाना है, भैंस की आंख, वाओ भाई इतो तेरी भैंस की, इतने सारे डायमंड, नॉट डायमंड एमराल्ड, मेरी लिटरली पूरी इन्वेंटरी यहां पर भर चुकी है। और अगर मैं चेस्ट खोल के देखूं तो ये कुछ ना कुछ कांड इसने किया हुआ यहाँ पर। तो काम करता हूँ, अगर मैं इलेक्ट्रो से छत के ऊपर लैंडिंग करूँ तो मेरे को पता है कि हमारी छत यहाँ से हॉलोड है और मैं यहाँ से पूरी नजर रखा, यहाँ पे कोई है भी नहीं। इसने यहाँ पर मेरे को पता है इसने चेस्ट खोला और चेस्ट के अंदर डेफिनेटली कुछ ना कुछ, हर एक चेस्ट के अंदर एमराल्ड भर के लेके जा रहा है यार। मेरे को इसके घर के अंदर जाना पड़ेगा और पता करना पड़ेगा। What? ये रास्ता तो यहाँ पर खत्म हो जाता है यहाँ पर, लेकिन somehow ये नीचे जा रहा है और नीचे मेरे को और एम्बरल्स दिख रहे हैं। वेट, अगर मैं नीचे जाके देखूं तो भाई साहब बंदर के पास कुछ ना कुछ आ चुका है, वही पावर यूज करके इतने सारे एम्बरल्स से बना कर रखे। लेकिन चलो हमें क्या फर्क पड़ता है, हमको तो एम्बरल्स से मतलब है। तो फटाफट से गाइस आगे की तलवार निकालते हैं और पूरे एम्बरल्स के सारे ब्लॉक खच खच खच। और मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि इस दीवार के ऊपर जितने भी चीजें लगा कर रखी है ना, मे भी
भी कोई ना कोई ये ट्रैप डोर हो सकता है। तो अगर मैं इसको रोटेट करके देखूं, कुछ भी नहीं हो रहा। बटन को रोटेट करके देखूं तो कुछ भी नहीं हो रहा। और अगर मैं फाइनली अगर मैं ये रोटेट करके देखूं तो कुछ भी नहीं हो रहा है। और हाँ, अगर सेकंड ये जो दूर एमरल्ड पड़ा हुआ रहा, तो फटाफट से मैं ये भी ले लेता हूँ। फटाफट से इसको अगर मैं एक बार घुमा, आवाज आई क्या आपको? Nope. गाइस मेरे को फटा समझ में आ चुका है, मैं जितनी बार ये डायमंड घुमा रहा हूँ ना, डायमंड एमरल्ड घुमा रहा हूँ ना, मेरे को कुछ ना कुछ सुनाई दे रहा है यहाँ पर। मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कोई ना कोई डोर खुला यहाँ पर। फटाफट से अगर मैं अंदर जाके देखूं, अरे भाई साहब, लेट्स गो। इको यारे ट्रैप चेस्ट मेरे को नहीं खोलना था यार। एंड फट से इसको उठा, भैंस की आंख, लेट्स गो भाई। मेरे को अगर ये टेस्ट करना, मैंने नोटिस किया था कि ये जिस ब्लॉक के ऊपर वो बंदा क्लिक कर रहा है, वो वाला ब्लॉक एमरल्ड के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। तो अगर मैं फट से मार के देखूं तो नहीं होता क्या? मेरे को स्वैप करना पड़ेगा। यो भाई हेलो, अभी ये लॉगिन देख के बहुत ज्यादा खुश हो जाएगा। लेकिन चलो बाहर निकलते हैं और उसका वेट करते हैं। मेरे फायरबॉक्स काम नहीं कर रहा यार, व्हाट इज दिस ब्रो? मेरे फायरबॉक्स, मैंने नोटिस किया कि पानी के अंदर बिल्कुल नहीं काम। चुप हो दो इसको। हेलो बंदर, ये मैंने नहीं किया ब्रो, ये ओ तेरे को पता लॉगी आया था यहाँ पर। ए चिमकांडी भाई, ए तभी से बात कर, बिल्कुल तेरे नाक के अंदर मैंने निशाना पकड़ कर रखा हुआ है। और ये लॉगी भाई तो मेरे साथ नाना के घर गया। देख मेरे को पता नहीं लॉगी कहाँ पर गया, मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन तू मेरे को ये बता कि ये तूने बेस कैसे बना कर रखा है यहाँ पर? आइए, मेरे को रामू की बिरयानी मिली थी। अच्छा, रामू की बिरयानी, लेट्स गो। अबे देखिए ये क्या भाई, ये क्या, ये देख मेरे हाथ में क्या है। अरे वापिस कर दो। वापिस तो मैंने कभी कुछ किया भी नहीं है, लेकिन चलो कोई बात नहीं, तेरे में दम है तो वापिस कर, आके ले ले मुझसे। बहुत ज्यादा अपने लाइटर के फंटे दिखा रहा था ना, मारू क्या तेरे को? की पंगे मत लिए, मेरे पास आगे की सौ है, मैंने एक मार देना तो भसम हो जाएगा यहाँ पर। मैं शांति से बोल रहा हूँ वापस कर दो, और मैं गुस्से से बोल रहा हूँ तेरे को नहीं मिलेगा। शांति, मेरे को शांति की धमकी दे रहा है भाई वो। ये लो गाइस, सबके लिए फ्री के एमराल्ड, फ्री के एमराल्ड, लेट्स गो भाई। सेल लगी है, सेल। हालांकि दिवाली जा चुकी है लेकिन फिर भी सेल। कौन मार रहा है मेरे को? गोलम। मेरी शिकार लगा दे को चीफ के ऊपर, पंगा मतलब ठीक है ना। ये ले, तूने बहुत हार्ड काम किया, तूने इतना खोदा वहाँ पर, मैं तेरे को ये दे रहा हूँ। ये देख, मैंने तेरे को पूरे तीन डायमंड दे रखे हैं, वो देख तेरे पास पूरी लाइन लग चुकी है विलेजर्स की। तू पूरा यहाँ का किंग बन चुका है, किंग। इसको मार रहा तू भैंस की यहाँ। भाई मैं आर्मी लेके आऊंगा पूरी और वापस लूंगा गॉन्टलेट। हाँ चल, कुछ नहीं कर सकता ये। तो सबसे पहले गाइस हम अपना ये शानदार वाला घर कन्वर्ट करेंगे पूरे एमरल्ड के अंदर, ताकि चीफ को भी पता लगना चाहिए कि यार हम यहाँ के सबसे अमीर बंदे बन चुके हैं। इसी के साथ गाइस लॉगिया घर भी यहाँ पे कन्वर्ट हो चुका है, उसके बाद हम अपना चीफ को कैसे निराश कर सकते हैं। तो ये भी जाएगा, अच्छा गलत ले लिया। एंड ये बिलो, ये बिलो, ये बिलो, ये बिलो, क्या लिखा है? पिल्लर वाले। अच्छा, पिल्लर की आर्मी मेरे ऊपर लाने वाले, बंदे कोई भरोसा नहीं है यार, ये कुछ भी कर सकता है यार। पिल्लर के साथ डील बार कर रखिए, मेरे को पता भी नहीं था। लेकिन इसको मजा चुकाने के लिए मेरे पास एक बहुत मस्त वाला आइडिया आ चुका है। तो गाइस आपने वीडियो को शुरुआत में नोटिस किया कि गांव के अंदर कुछ नए गार्ड्स आए हैं जो तलवार लेके घूम रहे हैं, और अभी मैं उनको अपनी साइड करता हूं और यहां पर एक छोटा सा बेस बनाता हूं, ताकि जब वो अपनी पिल्जर की आर्मी लेके आएगा हम भी एकदम से रेडी होंगे। एंड ये रहा गाइस अपना डिफेंस टावर, और अभी मेरे को ये थोड़ा बहुत कंप्लीट करना, और इसी डिफेंस टावर के अंदर हम बैठ के उस नूबड़े की पूरी आर्मी को यहां पर डिफीट करेंगे। ओके, मैं देख रहा हूं कि अपना टावर जो कुछ ज्यादा ही ओपन लग रहा है, तो काम करते हैं, अपने पास इन्वेंटरी के अंदर सामान तो कुछ ज्यादा ही आ चुका है, और मेरे को यहाँ पर बिल्ड करनी है अपनी सिक्योरिटी के लिए एक वॉल, और वॉल के अंदर सिर्फ आने जाने के लिए सिर्फ एक ही एंट्रेंस होगी। और अगर हम ऐसा करेंगे ना, तो मेरे को पता लग जाएगा कि उसकी फौज कहां से आने वाली है, और जहां से भी आएगी ना, लाइक उसी दरवाजे से अंदर आएगी, तो हम खच 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 पूरा फुल ऑन मुकाबला कर सकते हैं। और हम उसको जलाने के लिए वॉल बनाएंगे अपनी एमरल्ड की, क्योंकि यह समहाउ मेरे पास बहुत ज्यादा एमरल्ड आ चुके हैं। लेट्स गो। एंड जरा तो लीजिए गाइस, अपनी दीवार यहां पर रेडी हो चुकी है, तो मेरे को यहां से थोड़ा बहुत दरवाजा भी खोलना है, अपने डिफेंस को थोड़ा बहुत सिक्योर करना है मेरे को, और यहाँ पर एक्स्ट्रा लेयर ऑफ प्रोटेक्शन लगानी है। फट 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 फट, एंड लेट्स गो। अभी आने जाने का रास्ता सिर्फ एक ही है, और वो ये दरवाजा है। एंड ये देखो, चमूना बंदा हवा के अंदर घूम रहा है। भाई तो बचने वाला नहीं है, मैं तेरी वेट कर रहा हूँ, तेरी पिल्जर आर्मी का। तो धमकी मेरे को देख रखी है तूने, आज तू पटने वाला है। अच्छा बादी भाई, हाँ मुंह धो के बात कर अगर मुझसे। कार्बन डाइऑक्साइड मेरे तक पहुंच रही है इसकी वहां से। बोल क्या तेरे को? मैं बता रहा हूँ, मैं सुन नहीं रहा, वापिस कर दो शांति से। मैं तेरे को बोल चुका हूँ, शांति, शीला, उर्मिला, शिमला, गोवा, जिसकी धमकी देनी तेरे को दे दे, मैं तेरे को ये चमत्कारी चीज दे। पागल है क्या तू भाई? ये चमत्कारी चीज है, ये मेरे को लिटरली बिल गेट्स से भी आगे लेके जाएगी ये खतरनाक चीज, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। दिक्कत तो मैं तेरे को दूंगा अभी, तू देखियो भाई निकल ले। मैं देख रहा ये औग की तलवार है भाई, पड़ गई ना तो ये सारी तरह बटन बटन सारे यहाँ पे खुल जाएंगे। भाई आप हर चीज ले लेते हो मेरी, चल रहे तू मेरे से एक चीज ले सकता है, और वो है अक्कल, जो तेरे पास थोड़ी बहुत लिमिटेड एडिशन में है, लेकिन अपने पास थोड़ी एक्स्ट्रा है। और मेरे को देख, मैं तेरे को दिखाती थी।
मेरे को मार रही है भाई। ओके मेरे को लगता है गाइस ये बंदा टोटली गुस्से में आ चुका है और हमें इसको हल्के में नहीं लेना, और अभी हमको थोड़ी बहुत ना गार्ड्स हायर करने हैं। तो गाइस वो देखो वो घूम रहा है, ऊपर से घूम रहा है, ऊपर से इसने ऊपर मेरे पर पूरी निगाह रखी हुई है, पूरा ऊपर से मेरे को चेकआउट कर रहा है। तो तेरे तो मैं ये दिखाने वाला था कि मैंने यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा चीजें लगा कर रखी हुई हैं, लेकिन वो दिखाने से पहले कांड हो गया। लेकिन चलो कोई बात नहीं गाइस, आपने देख लिया ना, तो यही तलवारें मेरे को चाहिए जो कि मैंने ऑब्वियसली आयरन की तलवारें बना कर रखी थी। और आपको याद होगा कि वीडियो की शुरुआत में मेरे पास बहुत सारा आयरन आ चुका था, और अभी मेरे को यही तलवारें यूज करनी है थोड़े बहुत गार्ड्स हायर करने के लिए। हेलो, अच्छा ये तो पहले से ही। हेलो चचू, क्या आप मेरे लिए काम करना पसंद करोगे? नहीं से। देखो गद्दार बंदे नहीं चाहिए यहाँ पर, बता रहा हूँ मैं आपको। देखो गाइस मेरी बात मान लो, मैं दुनिया का सबसे अमीर बंदा बन चुका हूँ, आप मेरे लिए काम करो। आई थिंक ये मान गया ये वाला, तो अगर मैं इसके ऊपर शिफ्ट क्लिक करके यो बंदा एक्चुअली काम कर रहा है यार, लेट्स गो, मतलब बंदर क्या। ओके तू भी आ जा अपनी टीम में, क्या बात है यार, ऐसे करते करते ना हम अपनी पूरी आर्मी यहाँ पर बना देंगे। तीन तो गाइस अपनी टीम के अंदर आ चुके हैं। सर जी आप भी आ जाइए अपनी टीम के अंदर, लेट्स गो। अबे तू कहाँ जा रहा है, मेरे को फॉलो कर। तेरी अच्छा मैं इसकी इन्वेंटरी खोल भी सकता हूँ। वो मेरे पास बहुत सारे डायमंड्स पड़े हुए हैं, तो क्यों ना रुक जाओ मैं लेके आता हूँ, तो क्यों ना मैं इनको डायमंड्स का सूट वगैरह पूरा दूँ। भाई साहब अगर इसने डायमंड का सूट वगैरह पहन लिया ना, तो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को कोई भी दुनिया की कोई भी ताकत इन पागल बंदों को रोक नहीं पाएगी। एंड लेट्स गो, और मेरा सूट भी एकदम से एन्चेंटेड वाला है। तो फिलहाल मैं तीन चार। हेलो सर जी आप सूट पहनने के लिए आए हैं, वैसे आपका नाप मेरे पास ऑलरेडी है। रुक यू एक्चुअली पहन रहा है भाई साहब। अरे भाई, अरे भाई, हेलो, आइए आइए आइए। ओ माय गॉड खतरनाक गाइस, मेरे को सिर्फ दो सेकंड दीजिए, मैं अपनी पूरी आर्मी वहां पर लेके चलता हूँ। सुनो सुनो सुनो, अभी तुम लोग चिपको मत मेरे सामने। भाई कैसे चिपक रहे हैं भाई, हेलो चिपकना नहीं है। सुनो सुनो सुनो, मैं तुम्हें ऑर्डर दे रहा हूँ, जैसे ही बंदर या पिल्डर यहाँ पर आए तो खच 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 खोल देना उनको। आ गया, खोलो इसको। दा 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 दा। बंदा बच रहे ना भाई यहाँ से। डरपोक कहीं के भाग गया तू, है भाग गया तू। मैं वेट कर रहा हूँ कि कब तेरी पिल्लर की आर्मी आएगी और कब हम उससे वॉर करेंगे, लेकिन आई डोंट थिंक ये पॉसिबल होगा। ये बंदा अपनी शक्तियाँ देख के डर चुका है, अरे ऊपर से तीर कमानी कर रहा। लेकिन चलो कोई बात नहीं गाइस, मेरे को सच क्यों लग रहा है कि ये बंदा, इसके पास कोई ना कोई प्लान तो होगा, तभी इतने रिलैक्स तरीके के साथ ये गेम खेल रहा है। अभी मेरे को बहुत तंग कर रहा मक्खियों की तरह, बस एक बारी हाथ के अंदर आ जा तू गया। और अभी आएगा ना, अभी मुड़ के एक बारी मुड़ के। एयर सपोर्ट आ रही है, हाँ तेरे को बताता हूँ मैं, ये GTA खेल रहा है, इसको लग रहा है कि ये हाइड्रा चला रहा है यहाँ पर। एक बारी सामने आ, लेकिन चलो कोई बात नहीं गाइस, मैं ये बोल रहा था कि वो प्लेयर के पास एक्चुअली रेवेंजर भी होता है, और रेवेंजर को मारना इतना आसान नहीं होगा। तो मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना अपना डिफेंस थोड़ा बहुत मजबूत करते हैं, हम गोलम्स भी टेम करते हैं। ओके गाइस, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा होना चाहिए यहाँ पर। तो काम करता अगर मैं यहाँ पर शियर बना के देखूं। ओके तो यहाँ पर शियर बना लिया, और मैंने देखा कि बंदर के पास ना एक्चुअली एक शियर भी था, लेकिन मेरी समहाउ रेसिपी बुक एम्प्टी हो चुकी है। बट एनीवेज अगर मैं यहाँ पर ये लगा के देखूं, कुछ भी नहीं हो रहा मैन, मेरे को यहाँ पर टेस्टिंग करनी पड़ेगी। चल गया भाई, ये लीजेंड बता रहा हूँ, ये प्योर तुक्का था ये, और ये कोई मामूली शेयर नहीं है ब्रो, इससे मैं एक्चुअली विलेजर्स लोगों के हेड ले सकता हूँ। रुको मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये रहा गाइस, एक विलेजर सामने जा रहा है। हेलो मेरी जान कैसी है यार, पट ओके भाई, किसी ने मेरे को देखा तो नहीं भाई। अगर किसी ने मेरे को यहाँ पर देख लिया ना कि भाई ये कांड कर रहा हूँ दुबई सिटी के अंदर, तो लेने के देने पड़ जाएंगे। और अभी मेरे को ये शियर वाला हेड लगाना है एक गोलम के ऊपर, और सिक्योरिटी के लिए गाइस मेरे को यहाँ पर सबसे पहले एक गोलम लगाना पड़ेगा, तो एक काफिया फट। और अभी मेरे को टेस्ट करना की अगर ये वाला हेड में गोलम के ऊपर मारता हूँ तो नाराज ना हो जाए, मेरे गार्ड भी बहुत ज्यादा दूर खड़े हैं। रुको सबसे पहले अगर मैं इसके ऊपर शियर मार के देखूं, उसकी मुंडी गायब हो चुकी है। वे व्हाट, इसका दिमाग, वैसे इसका दिमाग पहले से खाली होता है, लेकिन चलो कोई बात नहीं गाइस, अगर मैं इसके ऊपर ये विलेजर का दिमाग मारूं तो वो होली क्रैप, अभी अपना गोलम भी जो है गाइस अपने साथ आ चुका है। रुको अगर मैं बाहर जाकर देखूं ना, तो मे भी उस तरफ कुछ ना कुछ होगा जो कि ऑब्वियसली वो देख के पागल हो रहा है। और मेरे को अभी समझ में आ गया, उस तरफ अपना पिलेजर टावर है, विलेजर और पिलेजर की बिल्कुल बनती नहीं है। ओके तो फटाफट से इसको भी शेयर कर दो, इसको भी कर दो, एंड इसको भी कर दो, और आखिर के तेरे पास तीन चार हेड लगे हुए हैं, तो मुझे ये भी इसके ऊपर लगाने पड़ेंगे। कम ऑन, और टेंशन नॉट गाइस, मेरे पास एक खुफिया वेपन आ चुका है। तो गाइस जब मैं अपने यहाँ क्राफ्टिंग टेबल के ऊपर खेल रहा था ना, तो मैंने एक चीज नोटिस की। आपको याद होगा कि वीडियो की शुरुआत में मेरे को तलवार मिली थी, एम्ब्रल वाली तलवार, मेरे को लगा था कि वो नॉर्मल चोमू तलवार होगी, मेरे को क्या फर्क पड़ता है भाई, आए ना आए, मैंने फेंक दी। लेकिन ये चोमू तलवार नहीं है, ये एक्चुअली बहुत ज्यादा खतरनाक तलवार है। तो अगर मैं इस तलवार को रखता हूँ यहाँ पर स्टोन के ऊपर, तो मेरे को मिलती है एम्ब्रल सोड ब्लॉक अटैक से। और अगर मैं यहाँ पे ये तलवार जमीन के अंदर लगाऊं, और जो बंदा इस तलवार के पास जाए, मेरे को डैमेज पड़ रहा है। तो यार गाइस फंडा आप समझ चुके हो, तो जो बंदा इस तलवार के पास जाएगा वो लेगा डैमेज,
और मेरे को यहाँ पर फुल ऑन यहाँ पर तैयारी करनी है, क्योंकि वो मेरे को पता है वो आएंगे तो इसी रस्ते से आएंगे, एंड जब आएंगे तो अपना डिफेंस एकदम से रेडी है। एंड गाइस कुछ ही देर मेहनत करने के बाद ये अपने बंदे ही मर पागलो, वो दूसरे आर्मी के लिए कहाँ जा रहे हो भाई? यार अपने बंदे इतने गवार हो सकते हैं ब्रो, मेरे को पता नहीं था मैं, लेकिन चलो कोई बात नहीं गाइस, मेरे पास सही बात तो है ना। रुको, तुम लोगों को वहां पर जाना लाउड नहीं था? ये अजीब गवार बंदे हैं यार, कम ऑन, सारी टीम अपनी यहाँ पर मर गई, पागल है यार ये, अपनी टीम के बंदे इधर से घोंचू है यार, हट जाओ, तुम्हारी वजह से बंदे मेरे ऊपर अटैक कर रहे हैं यहाँ पर आज। और अब भी ऊपर जाके मेरे को अपनी यहाँ पे पोजीशन सेट करनी है, और दूर दूर तक भाई बंदे का नामो निशान नहीं है। एज अ सिक्योरिटी प्रिकॉशन मैं एक एन्चेंटेड गोल्डन एप्पल भी खा लेता हूँ, और मैंने यहाँ पे कुछ गार्ड अपने किले के बाहर भी छोड़ कर रखे हैं, अगर मेरे को बैकअप की जरूरत पड़ी ना तो मैं फटाफट से इनके ऊपर हेड लगा के इनको भी अपनी टीम के अंदर कर लूंगा, तो मतलब कि बंदर के बचने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता यार। कहां से आ रहा है भाई, नीचे देख रहा है मेरी आर्मी, मैं तो वेट कर रहा हूं तेरे पिंजर आर्मी का, किधर है वो बताना मेरे को। टाइपिंग करने में बिजी होगा बड़ा बंदा, जैसे ये बंदर वाला मुंह नीचे आ रहा तो ऊपर से व्हाट क्रीपर कैसे मार रहा भाई, पोशन ऑफ इनविजिबिलिटी मारो भाई अपने ऊपर, भाई ये बंदा देखना ना भाई, तेरी ये क्रीप, अच्छा ये ना ये इसको तो पता मैं कहां करूं, अबे क्या कर रहा है ये, लाउड नहीं था भाई, एक बारी गोबचे में आ जा तेरे को बताता हूं मैं। वो मेरे ऊपर क्रीपर फेंक रहा है भाई, ये तो स्क्रिप्ट में था भी नहीं भाई, इस मेरे को लगा था कि ये बंदा पिंजर की आर्मी लेके आने वाला है, लेकिन नहीं ब्रो इसने मेरे को डबल चीट किया, ये क्रीपर की आर्मी लेके आ चुका है। बट टेंशन नॉट, अपने गार्ड ध्यान ना नीचे, अभी हो चुका है यहाँ पर हवाई हमला, कम ऑन देन, भागने की कोशिश कर रहा है, कहां से आ रहा है यार, मैंने पूरे जंगल जंगल सारे दिशाएं देख ली, ये बंदा नजर ही नहीं आ रहा, मेरे को डर गया क्या? ए चपाती भाव, वो 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 ये क्या है, मैं बोल रहा था हार मान लो, वैसे मेरे पास भी आर्मी गाइस कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो इतनी आसानी से हम लोग हार नहीं मार लेंगे, तू बस आ से नीचे, तू एक तरफ से आ तो जाएगा लेकिन तू भाग नहीं पाएगा, ये क्या लिखा हुआ नहीं तो अच्छा नहीं होगा, वो तेरी तो वाकई में आ गया। हेलो सर जी, आइए आइए गाइस, रेडी हो जाओ, बस घुसते ही अटैक कर रहे तुम लोगों ने, घुसते ही, ओ तेरे, लेट्स गो, ओए गाइस जाओ, तो गाइस मैं बता रहा हूं, सबसे पहले मेरे को ये ब्लॉक तोड़ना, ताकि मैं नहीं चाहता कि ये बंदा ऊपर आए, क्योंकि ऑब्वियसली गाइस सीढ़ियां नहीं होंगी तो अपने बंदर वाले वो ऊपर नहीं आ पाएंगे, और अगर मैं अटैक करके देखूं तो फट से गाइस अपनी टीम को मेरे को पूरा ऊपर से सपोर्ट करना, लेकिन इतने ज्यादा बंदे हो चुके हैं ना, मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं किसके ऊपर अटैक करूं, इधर गए, लेट्स गो गाइस, अपनी टीम सुपर स्ट्रांग है। बंदर वाले मुंह तेरे को मैं देख रहा हूं, ये टाइपिंग करते करते मर रहा है भाई, तेरी आर्मी कितनी ज्यादा, वो तेरी आर्मी भाग रही है, वो देख तेरी आर्मी दम दबा के भाग गई लिटरली, वाओ क्या पड़ी तेरे को भाई, ये तो एपिक शॉट था, तूने मेरे को मारने की कोशिश की ना, बस तू नीचे भाई अपनी टेरिटरी में हाथ रख के देख, तू तू मेरे को, ये मेरे को क्यों मार रहा है, ये मेरे को क्यों मार रहा है, अपनी टीम के बंदे मेरे को क्यों मार रहे हैं, तेरे को ज्यादा मौत चढ़ी हुई है क्या है, पूरा फुल ऑन वॉर चला था यहाँ पर, हार मान ले देख, नहीं तो मेरा गोलंदर को मार देगा, हार मान ले, मैं तेरे को बता रहा हूँ यहाँ पर, हार मान ले, उड़ के भाग रहा है, लेट्स गो भाई, तलवारें दे, देख तेरी आर्मी पहाड़ के ऊपर कैसे दम दबा के भाग रही है, वो देख तीन बंदे पहाड़ के ऊपर जा रहे हैं, आ रहा हूं, ओबे ओके ओके, नहीं आ रहा नहीं आ रहा नहीं आ रहा, यहाँ पर तो पूरी आर्मी जमा के रखी इसने, लेकिन चलो कोई बात नहीं गाइस, इसकी आर्मी मेरी आर्मी के सामने बिल्कुल एकदम से भीगी पड़ चुकी है। एक बार फिर से गाइस मेरे को हवा के अंदर जाके इनके ऊपर हमला करना, निकलो भाई 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 भाई, गलत स्वाद आने वाला था यहाँ पर, तो गलत स्वाद भाई, ये लोग मेरे को मार रहे हैं, लेट्स गो, तीन चार तो मैंने हवा में से उड़ा दिए, नाइस, लेट्स गो, फटाक बड़ी, ये ले कर ले, मेरे को मारेगा ये दुबड़ा बंदा, हा, हा, हा। उसकी आर्मी इतने से फीकी पड़ चुकी है, ये देखो उसकी आर्मी के बंदे उसके ऊपर हमला कर रहे हैं, लेट्स गो, तेरे को मैंने बोला था कि अपनी आर्मी के अंदर आ जा, लेकिन नहीं बात नहीं मानता अपना बंदर, देखो उसकी आर्मी के बंदे उसको भी मार रहे, लेकिन चलो कोई बात नहीं गाइस, अपने पास तो आर्मर एकदम से ओपी वाला है, तो मैं फटाफट से जाके उसकी थोड़ी बहुत मदद कर देता हूँ। हाँ उड़ के कहाँ जा रहा है तेरी भैंस, अपने बंदे को मारेगा, हालांकि फिलहाल अपनी बनती नहीं है फिलहाल बंदर के साथ, क्योंकि उसके मैंने घोंटने चोरी कर लिया, लेकिन है तो अपना बंदा ना, और इसी के साथ गाइस एक बार फिर से हमने बंदर को डिफीट कर दिया, उसका घोंटल मेरे पास आ चुका है, और ये ऐसी इलीगल चीजें हमको शहर के अंदर नहीं चाहिए, तो ये अभी मेरे को जाके ये लावा के अंदर फेंकना है, और ट्रस्ट मी मैं ये लावा के अंदर फेंक दूंगा, ठीक है, ये इलीगल चीजें मेरे को शहर के अंदर नहीं चाहिए, तो चलिए छोटी सी वीडियो काफी है, बहुत 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 मजा आया, अगर आपको मजा आया तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और मैं मिलता हूं नेक्स्ट वाली वीडियो में, टेक केयर एवरीवन एंड बाय।